जी मोबाइल लाइट से जुड़े लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए रोहित वैद्य चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप कभी भी मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोहित वैद्य यूट्यूब चैनल में। सो आज PUBG मोबाइल लाइट ऑफिशियल वर्जन में एक बहुत बड़ा अपडेट आया 0.14.6 का, और इस अपडेट के बाद गेम जो है कम्प्लीटली चेंज हो गया। बहुत सारे न्यू एक्साइटिंग फीचर्स इस अपडेट में ऐड हुए, तो अगर आप लोगों ने अभी तक न्यू अपडेट नहीं किया तो तुरंत कर लो दोस्तों। डाउनलोड लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरे वेबसाइट का। मेरे वेबसाइट को ओपन करो, उसका पहला पोस्ट ओपन करो, नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करोगे तो मीडिया फायर का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मिल जाएगा PUBG मोबाइल लाइट का 0.14.6 ऑफिशियल वर्जन का। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि इस अपडेट में क्या कुछ न्यू ऐड हुआ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे वो कुछ बड़े बड़े फीचर्स का वो ऐड नहीं हुआ। जैसे कि यहाँ पे कस्टम रूम हम सोच रहे थे कि इस अपडेट में आएगा, क्योंकि बीटा वर्जन में उन्होंने दिया था, बट गाइस कस्टम रूम हमें नहीं देखने को मिला। ओके, इसके अलावा दोस्तों TDM मोड भी आने का हमें उम्मीद था, लेकिन हमें TDM मोड भी नहीं देखने को मिला इस 0.14.6 अपडेट में। हालांकि 0.15 या फिर 0.15.5 में ऑब्वियसली हमें TDM मोड और कस्टम रूम देखने को मिलेगा, क्योंकि वो लीक्स हमारे सामने आया, तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। ओके, जैसे आप लोग अपडेट करके गेम को सबसे पहले बार ओपन करोगे 0.14.6 ऑफिशियल वर्जन को, सबसे पहले चीज जो आप लोग नोटिस करने वाले हो दोस्तों वो है लॉबी का थीम। लॉबी का थीम आप लोग अब देख सकते हो, एकदम डार्क सा दिख रहा है। तो गाइस, ये जो थीम है बेस्ड है हैलोवीन फेस्टिवल के ऊपर। हैलोवीन एक फेस्टिवल है जो दुनिया भर में मनाया जाता है, तो ऑब्वियसली पबजी वाले कहाँ पीछा छोड़ने वाले हैं। तो ये एक हैलोवीन थीम है, उसके ऊपर बेस्ड है। ओके, सो ये जो हैलोवीन थीम जो है गाइस, ये परमानेंट नहीं रहने वाला है, तो नेक्स्ट अपडेट में ये जो थीम है हट जाएगा। ओके, इसके अलावा दोस्तों एक न्यू ज़ॉम्बीज़ मोड ऐड हुआ है। इसके बारे में तो आप लोगों को ऑलरेडी पता चल ही चुका होगा, इसका गेम प्ले भी आप लोगों ने देख चुके होंगे। नहीं देखा तो आप लोग गेम प्ले देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पूरा गेम मैंने खेला है, उसका गेम प्ले वीडियो आप लोग देख सकते हो। उसमें मैंने चिकन डिनर भी किया, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। तो ये ज़ॉम्बीज़ मोड बहुत ही सिंपल है गाइस। इसका रूल इसमें होता क्या गाइस की बेसिकली एक मैच होता है, उसमें दो बार रात होता है, दो बार रात होते होते गाइस उसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, ज़ॉम्बीज से बचना भी है, ज़ॉम्बीज को मारना भी है, और आपके जो एनिमी से जो 60 बंदे आपके साथ उतरते हैं उनको भी, उनसे भी बच के और उनको भी किल करना है। जो बंदा लास्ट में बचेगा वो जीतेगा। ओके, तो ये सिंपल सा चीज़ है ज़ॉम्बीज मोड। ओके, ये है, इसको इन्होंने नाम दिया ज़ॉम्बीज सर्वाइव टिल डाउन, तो इसको इसका ये नाम है। ओके, एक ये न्यू फीचर ऐड हुआ है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड में एक न्यू रिसोर्सेज पैक इन्होंने ऐड किया 3 MB का, तो इसको आप लोगों को अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे आप लोग अलग से इसको डाउनलोड करोगे तो 3 आप लोगों को ये रिवॉर्ड्स मिलेगा। ओके, बेसिकली इसका काम क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। इन्वेंट्री में जाके ये जो आपके पास फालतू चीजें हैं, जैसे कि ये शर्ट्स जूते वगैरह है दोस्तों, इसको जो है क्लाउड में सेव करेगा। इससे होगा क्या दोस्तों, आपका गेम का जो साइज है वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो है क्लाउड में सेव होगा इस रिसोर्सेज पैक के वजह से। ओके, इसके अलावा दोस्तों इन्होंने इरेंगल मैप में भी बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं। जैसे कि मैं इससे पिछले वाले वीडियो में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि स्टेडियम के पास जो डाउनटाउन लोकेशन हुआ करता था उसको इन्होंने कम्प्लीटली हटा दिया है। डाउनटाउन को हटा के एक बहुत लंबा चौड़ा माउंटेन इन्होंने ऐड कर दिया। बस इन्होंने डाउनटाउन ही नहीं हटाया दोस्तों, इसके अलावा इन्होंने कुछ न्यू बिल्डिंग्स भी, छोटे छोटे बिल्डिंग्स ऐड किया। जैसे जैसे आप लोग मैच खेलोगे इरेंगल मैप में, आप लोग नोटिस करोगे कि कुछ न्यू बिल्डिंग्स वगैरह ऐड किया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये जो पायलट प्लाजा है इसमें कुछ न्यू बिल्डिंग्स इन्होंने ऐड किया दोस्तों। पहले यहाँ पे 2 ही बिल्डिंग हुआ करता था, बट यहाँ पे 2-4 और बिल्डिंग्स इन्होंने ऐड किया। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पहले पायलट प्लाजा में सिर्फ 2 बिल्डिंग्स हुआ करता था, बट अब यहाँ पे इन्होंने 2-3 बिल्डिंग और ऐड कर दिया, यानी कि टोटल 5 बिल्डिंग्स हो गए यहाँ पे बड़े बड़े। ओके, पायलट प्लाजा में ये, तो ये भी एक न्यू ऐड हुआ है। डाउनटाउन को इन्होंने ऑब्वियसली रिमूव किया, लेकिन उसके अलावा दोस्तों इन्होंने कुछ न्यू बिल्डिंग्स भी ऐड किया मैप में। ओके, इसके अलावा दोस्तों इनका ये भी कहना है कि अब आप लोगों को घरों में जो है नॉर्मल लूट मिलेगा। पहले 0.14.1 में होता क्या दोस्तों कि मतलब उतरते जिन भी घर पे आप लोग घुसते थे तो लूट एकदम से मिल जाता था, बट अब जो है लूट को इन्होंने थोड़ा सा बैलेंस किया है, ये इनका कहना। तो मतलब जैसा घर, जितना छोटा घर उतना खराब लूट मिलेगा, जितना बढ़िया घर उतना अच्छा लूट मिलेगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि कुल मिला के इनका ये कहना है कि लूट बैलेंस इन्होंने किया है। तो मेरे हिसाब से तो यही कि जितना छोटा घर होगा उतना कम लूट मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, छोटा सा घर है, इसमें मेरे को सिर्फ ये चीज़ें मिल रहा है, तो बड़ा घर में आप लोग को अच्छे लूट मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से यही इनका कहना है। ओके, इसके अलावा दोस्तों आप लोग लॉबी में कलर चेंजेस भी देख सकते हो कुछ चीज़ें में। जैसे कि यहाँ पे इनवाइट फ्रेंड्स में जैसे मैं आप लोग क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो, इसको आप लाइट
इसका जो बैकग्राउंड है वो लाइट ब्लू कर दिया। पहले गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक अजीब सा कलर हुआ करता था, बट अब थोड़ा सा सुंदर और थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ओके, इसके अलावा अगर दोस्तों हम विनर पास में जाते हैं तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड भी आप लोग देख सकते हो, पहले के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा कर दिया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये जो सूटकेस हुआ करता था ये भी ब्लू, ये भी पहले दोस्तों गोल्डन कलर का हुआ करता था वुडन का, बट उसको अब चेंज करके इन्होंने स्टील सिल्वर जिसका भी किया, बट बहुत अच्छा लग रहा है कंपेयर टू पहला वाला, उससे अच्छा लग रहा है ना, ये चीज़ अच्छा लग रहा है। हालांकि गाइस अभी विनर पास सीजन 6 आया नहीं है, अभी विनर पास सीजन 5 चल रहा है, तो एक आध दिन में कभी भी ये खत्म होगा, उसके बाद दोस्तों विनर पास सीजन 6 आएगा। विनर पास सीजन 6 में क्या क्या आएगा उसके भी लीक्स आ गए हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता तो थोड़ा सा मैं फोटो शेयर कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हो और एक आइडिया लगा लो कि विनर पास सीजन 6 में क्या आएगा। ओके, इसके अलावा इन्होंने पेज नोट्स में ये भी लिखा था कि 3 न्यू वेपन्स ऐड किया, जैसे कि एक M134 मिनी गन जो कि एक मिनी मशीन गन है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने ये भी लिखा था कि फ्लेम थ्रोवर करके एक न्यू वेपन ऐड किया। इसके अलावा एक और न्यू वेपन सॉर्ट शॉटगन इन्होंने ऐड किया। दोस्तों ये मेरे को M134 मिनी गन नहीं मिला, ना ही मेरे को ये फ्लेम थ्रोवर मिला, मेरे को एक ही गन मिला जो कि शॉटगन मेरे को, वो भी ज़ॉम्बीज मोड में मिला। तो दोस्तों अगर आपको M134 या फिर फ्लेम थ्रोवर वेपन मिला है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बट मैंने क्लासिक खेला 2-1 मैच, उसमें नहीं मिला मेरे को, ज़ॉम्बीज मोड में मेरे को नहीं मिला, और गोल्डन वर्स में एक मैच खेला था उसमें भी मेरे को नहीं मिला, मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक वेपन मिला जो कि न्यू शॉटगन ऐड किया जिसको इन्होंने नाम दिया है सॉर्ट शॉटगन, वो मेरे को मिला। ओके, इसके अलावा ये जो M134 जो है वो मेरे को नहीं मिला, और फ्लेम थ्रोवर जो है वो भी नहीं मिला, हो सकता है ऐड हुआ है बट मेरे को नहीं मिला हो, क्योंकि एक आध मैच ही मैंने खेला है। अगर आप लोगों को मिला है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे ऑल न्यू फीचर्स ऑफ PUBG मोबाइल लाइट 0.14.6 ऑफिशियल अपडेट। मुझे तो ये अपडेट बहुत ज़्यादा पसंद आया दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस अपडेट के बाद गेम प्ले बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, और UI में भी बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस किया है, जैसे कि इन्होंने ये ब्लू कलर्स वगैरह ऐड जैसे किया है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इससे ये गेम जो है बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पुराना ओल्ड फैशन गेम नहीं लग रहा, अब ऐसा न्यू जनरेशन गेम लग रहा है, तो मुझे तो ये अपडेट बहुत ज़्यादा पसंद आया। हालांकि हमें कस्टम रूम या फिर TDM मोड नहीं देखने को मिला, बट फिर भी गेम का साइज़ के हिसाब से 512 MB के हिसाब से इन्होंने ये बहुत अच्छा अपडेट दिया है। हो सकता है इन फ्यूचर 0.15.0 अपडेट में ऑब्वियसली हमें कस्टम रूम और TDM मोड देखने को मिलेगा, बट फिलहाल इस अपडेट में हमें वो दोनों फीचर्स नहीं देखने को मिले, बट फिर भी ये अपडेट मुझे बहुत अच्छा लगा। गाइस आप लोग प्लीज़ बताइएगा कमेंट में कि क्या आप लोगों को ज़ॉम्बीज मोड खेलना पसंद है, आप लोग क्या चाहते थे, मतलब ज़ॉम्बीज मोड ज़्यादा चाहते थे या TDM मोड ज़्यादा चाहते थे, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर मैं पढ़ूंगा और उसके ऊपर वीडियोस भी बना के टेंशन वालों को इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा, ताकि भैया जल्दी से जल्दी TDM मोड दो यार। ऑलराइट गाइस, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। सो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, दिस इज अजय साइनिंग ऑफ, कीप सपोर्टिंग। We'll be right back.